सिंह नैन जी जो कि हरियाणा की सबसे बड़ी बिनैन खाप है उसके प्रधान थे, और शायद और भी कई खापों में इन्होंने विभिन्न पदों पर कई प्रधान के पद पर जो है कार्य किया। उनका बड़ा दुखद समाचार प्राप्त हुआ कि वे कल जो है हॉस्पिटल में वो पूरे हो गए। तो इन किसी अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए मैं अपने DSP श्री अमित भाटिया जी के साथ धनौजा गाँव आए हैं, और क्योंकि श्री नफे सिंह नैन जी का मैं पर्सनली उनसे कई बार मुलाकात करने का मेरे को मौका मिला, और उनके व्यवहार से, उनके चरित्र से और उनके कुशल नेतृत्व से जो है मैंने काफ़ी सीखने का भी मेरे को जो है सौभाग्य प्राप्त हुआ। और वो प्रशासन के साथ बहुत सहयोग करते थे, अपने उनकी व्यवहार की वजह से उनकी खाप में और समाज में बहुत पैठ थी, जिससे उन्होंने काफ़ी पेचीदा मामले सुलझाए हैं और प्रशासन का काफ़ी सहयोग किया। ऐसे महानुभाव को मैं अपने दिल से जो है सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, और उनके परिवार के और जो उनके और जानकार हैं और सारी एक खाप हैं बिना उनके प्रति जो हमें संवेदना अपनी समर्पित करता हूं। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि भाई जो है उनको अपनी सदगति प्राप्त हो और अपने चरणों में जो है उनको स्थान दे। अहम योगदान रहता है खाप, उस बारे में आप सबसे पहले तो जो पुलिस प्रशासन है उनकी तरफ से मैं सिंसियर कॉन्डोलेंसेस देता हूँ नफे सिंह जी के परिवार को भी, और जो खाप हैं बिनैन खाप उनको भी, और हमारा जो दिन प्रतिदिन जो हमारा प्रशासन है उसके दौरान हम काफ़ी बार श्री नफे सिंह जी से इंटरेक्ट करते थे, और जब भी हमने इन इन इनको किसी भी मुद्दे पर हमने बुलाया और इनसे कोई निवेदन किया तो हमेशा इन्होंने प्रशासन का साथ दिया। तो एक बहुत ही बढ़िया उदाहरण था कम्युनिटी पुलिस का कि जैसे समाज और पुलिस एक साथ हो जाएं तो किसी भी मसले को हम एक उचित सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो कई मामलों में हमने नफे सिंह जी का साथ लिया था प्रशासन ने, और इन्होंने हमारी खूब मदद की थी। थैंक यू सर। आज नफे सिंह जी कल शाम को उनका दुखद निधन हो गया। जिसको भी ये समाचार मिला सुना है उसका दिल दुख से व्यथित होया है। तो सारे खाप और समस्त सर्वखाप के लिए वो सारी उम्र लड़ते रहे, तो उसके लिए सारे हरियाणा की खापों ने, देश की खापों ने और बिनैन खाप ने फैसला लिया है कि 7 जनवरी दिन रविवार को बिनैन खाप के चबूतरे पर आदरणीय नफे सिंह जी की शोक सभा रखी गई है, जिसमें सभी राजनीतिक नेता, खाप पंचायतें, विभिन्न संगठन सभी भाग लेंगे। तो यही है कि जिस आदमी ने इस समाज के लिए इतना कुछ किया तो ये समाज भी 7 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँच कर उनको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करें। और उसका समय सबने पता 12 से 2 बजे तक रखा गया है। जी अनेक निर्णय लिए हैं इन्होंने खापों के माध्यम से, तो उस बारे में आप क्या कहें? निर्णय खाप के प्रधान होने के नाते और पूरी भारतवर्ष की खापों के अध्यक्ष होने के नाते इन्होंने काफ़ी अपना जीवन में मतलब समाज के लिए काफ़ी संघर्ष किया, और इनके निधन से मतलब पूरे समाज को क्षति पहुंची है। और ये मतलब जब तक भी जीवित रहे, अभी बीमार होने के बाद भी लगातार हर जो सामाजिक गतिविधि थी उसमें हिस्सेदारी करते रहे और समाज की लड़ाई लड़ते रहे। इनके निधन से पूरे समाज को अक्सती हुई, उसकी पूर्ति नहीं हो सकती। और एक खाप के नेता भी थे, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे गर्व है कि सर्वजातीय बिनैन खाप के अध्यक्ष पर पूरी खाप ने भी गर्व है, और हम सब ने भी, वो मेरे पिता नहीं बल्कि पूरी खाप के योद्धा थे, और पूरी खाप उनको ताज मानती थी, और उन्होंने हमेशा खाप का मान सम्मान किया, खाप की कभी भी ना नीचे नहीं होने दी। और जब वो सर्वजातीय सर्व खाप के प्रधान बने भारत के, तो पूरे भारत की खापों को भी साथ लेकर चले, इसमें हमें पूरी खाप ने गर्व हुआ।